रिक को बहुत मिस कर रही हूँ, अभी कब आएगा, और 2 दिन में आई होप कि रिक आ जाए। मैं रिक को बहुत प्यार करती हूँ, तो वो अगर दूर भी है तो कोई बात नहीं, मेरे मैं और वो मतलब दिल से कनेक्ट है ना, तो मुझे हम कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कि रिक का मैसेज का वेट करती हूँ, कॉल का वेट करती हूँ, रिक कब आएगा, मतलब वो अलग फीलिंग्स होता है। रिक भी कभी मुझे ये फील नहीं करवाते कि तो मैं बहुत दूर हूँ, दूर हम दोनों हमेशा दूर है लेकिन हमेशा कनेक्ट रहते हैं। ही है लॉन्ग डिस्टेंस, उतना कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरे साथ अकेली नहीं है कुछ भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकपिया ब्लॉग। तो अभी टाइम हो चुका है 7:00 और मैं आज उठ गई हूँ सुबह क्योंकि बहुत काम है आज मुझे। और मैं उठते ही देखो कुल्फी को ऐसे गोदी में लेके उसको बहुत सारे प्यार देती हूँ। तो उसके बाद रिक का आ गया था कॉल, क्योंकि रिक जब भी घर पे जाते हैं या फिर मैं जाती हूँ तो सुबह हमारा दोनों का ही ऐसा होता है कि वीडियो कॉल पे बात करके हम स्टार्ट करते हैं दिन का। बात हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ कुल्फी को लेके बाहर। कुल्फी को सुबह सुबह बाहर जाके सुसु पट्टी सब कुछ करना होता है, तो उसका सुसु पट्टी करवा के अभी लेके मैं आई हूँ रूम पे। और अभी मैं लगूंगी अपने काम पे, जो कि जब रिक कोलकाता में रहते हैं उस टाइम पे रिक सारा कुछ मुझे करवा के देते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है तो मुझे ही करना होता है। तो चलो आप लोग भी ब्लॉग में देखते रहिए, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल या ब्लॉग। तो अभी टाइम हो चुका है 10:30 और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर, क्योंकि थोड़ा काम वाम है, तो सब्जी वगैरह भी लाना था और ला के फिर बात करती हूँ, ठीक है। বাঁধা কপি কত দাদা? तो गाइस मेरा बाजार करना हो गया है, देखो मेरे इतने सारे सब्जी वगैरह ले लिया। और अभी चलो घर पे चलते हैं, लेके आ गई और यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया हमारा। की खाबे तुम्हें की खाबे? ऐसे देखते हैं कुल्फी जब भी हम बाहर से आते हैं, दोनों में से कोई कुछ सामान लेके। कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, सिर्फ अंडा लाया है कुपू, बस अंडा ही है तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। चलो अभी ये सब जगह पे रख देते हैं। तो हे गाइस, और क्या ही बोले, सुबह मैं उठ के इतने सारे काम धाम सब कुछ कर लिया और कुल्फी को तो फुर्सत ही नहीं है, सुबह से उठ के मेरे साथ खेलना है बस यही लेके बैठे रहते हैं। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ ये पे मैगी। कुत्ते कुछ ना रिक जब नहीं होते तो उस टाइम पे ना मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं, लेकिन इतना सुबह आज उठे ना तो वजह से थोड़ा भूख लग गया है। और पता है आज मैं ATM पे गई थी, लेकिन 3 बार भी पता ट्राई किया उसके बाद भी मेरे पास मतलब पैसे ही नहीं आए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो रिक ने वही से ऑनलाइन करके सब कुछ सामान वामान कर दिया, क्योंकि मेरा पेटीएम भी काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। अभी रिक जब भी घर पे जाते हैं कुछ ना कुछ तो होते ही रहते हैं। तो चलो अभी मैं मतलब ड्रेस वेस चेंज करके ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ और अपना काम पे भी देखती हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज मेरा ब्रेकफास्ट बन चुके हैं और मुझे जल्दी जब भी कुछ बनाना होता है मैं ऐसे ही बना लेती हूँ मैगी या फिर यप्पी। अंडों के साथ अच्छा लगता है इसलिए मैंने अंडा दे दिया। और यहाँ पे कुल्फी बैठ के देख रहा है क्योंकि अभी एक प्लेट बन रहा है, तो कुल्फी सारा दिन यहीं पे बैठे रहते हैं। और मैं अभी आ गई हूँ मेरा काम करने के लिए, तो चलो मैं ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ और काम भी करती रहूँगी। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो चुके हैं 2 या फिर 2:30 होगा और काम करते करते ना मेरा हाथ दुख रहा है, तो ऑलमोस्ट काम हो गया है, अभी थोड़ा काम और बाकी है तो हो जाए तो कंप्लीट है आज का मेरा काम। और इस बीच में मैं 2 बार छत पे जाके, एक बार कुफी को लेके गई थी और एक बार कपड़े वगैरह सब कुछ डाल के रख दिया। और अभी मैं आई हूँ बस किचन में, खाना बनाना होगा और मेरा थोड़ा सा भी मूड नहीं है खाना बनाने का। तो अगर मैं चाहती थी लेकिन क्या करूं, मतलब मैंने सोचा था कि ऑनलाइन से मंगा लूं लेकिन कुछ नहीं कर सकी, घर में ना बहुत कुछ सामान वगैरह है वो नहीं खाएंगे और कुछ के लिए तो राइस बनाना ही होगा,
और कुछ नहीं है, अभी मैं आई हूँ किचन पे क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो चलो हम लोग भी देखिए मैं क्या खाना बनाती हूँ, मतलब आज जो मन में आएगा वही मैं बनाऊंगी। तो गाइज आज मेरे लंच में बन रहा है ये कतला फिश, तो इसका झोल बनेगी क्योंकि दो दिन में मेरा ऐसा हो गया था कि मछली या फिर चिकन मेरा स्मेल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने सोचा इसको मतलब विदाउट मसाला से इसको बनाया है मैंने, और मुझे धनिया पत्ता बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, तो इसीलिए मैंने इतना सारे डाल दिया। और जब भी उस होता है तो मैं डाल नहीं पाती, उसको अच्छा नहीं लगता है। और साथ में बनेगा यहाँ पे पालक साग, और ये ना थोड़ा अलग तरीके से मैंने बनाया था, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही। हो सके तो मैं कभी आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलो मेरा खाना बनाना हो गया है और मैं अभी आई हूँ छत पे क्योंकि सुबह जो मैंने कपड़े डाल के गए थे वो मुझे अभी लेना है, तो ले लिया, अभी जाऊँगी रूम पे और कोई कुछ काम नहीं है। तो चलो रूम पे जाके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो गाइस मैं आ गई छत से, और छत पे तो इतना धूप था तो 2 मिनट में पसीना पसीना हो गई हूँ। और छत से पता है कुलरिक जब से घर पे गई थी तीन दिन तक कुल्फी ने कोई खाना वाना ठीक से नहीं खाया था, 40 वगैरह भी नहीं किया था। तो मतलब उसको ना हर टाइम तक हमारे फ्लैट से अगर बाहर निकलो तो एक छोटा सा जगह है जहाँ पे कुल्फी बैठे रहते हैं, रिकी एक्चुअली लेके इसको बैठे रहते थे, तो हमेशा कुल्फी वहीं पे जाके बैठे रहते थे बहुत टाइम तक। तो 3 दिन तक ऐसा हुआ, उसके बाद से बस मैं बाहर जाती हूँ तो आती हूँ खेलो मेरे साथ, मैं काम पे बैठती हूँ काम से उठती हूँ तो खेलो। तो अभी कुल्फी ठीक है, देखो अभी भी खेल रहे हैं, मतलब पूरा दिन इसको बस खेलना ही सोचता है, कोई ना खाना ना कोई पीना ना कुछ है ही। तो आ गई हूँ छत से, बस कपड़े वगैरह ठीक ठाक करना है, उसके बाद मैं नहा धो के पूजा दे दूंगी और करूंगी मैं अपना काम, और रात में डिनर बना लूंगी। डिनर भी बनाई है, आज से कुछ बनाना भी नहीं है, बस जब नहीं होते घर पे तो मेरे ऐसा ही दिन जाते हैं और क्या ही बोलूं। तो गैस कुछ भी बहुत तंग कर रहा था तो इसके लिए उसको बैठा दिया। और कुछ चीज़ बताना है कि बहुत सारे अभी मैसेज आ रहे हैं कि मेरे पास, दीदी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता? तो प्रॉब्लम नहीं होता ये नहीं बोलूँगी, प्रॉब्लम यही होता है कि मुझे अकेली बाजार जाना होता है, पैदल जाना होता है, ये बस मुझे प्रॉब्लम लगता है। लेकिन कोई मतलब उसके बिना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि रिक भी कभी मुझे ये फील नहीं करवाते कि तो मैं बहुत दूर हूँ, दूर हम दोनों हमेशा दूर है लेकिन हमेशा कनेक्ट रहते हैं, 2-3 मिनट में कॉल आ जाते हैं। वो अगर पूरा दिन काम भी करते रहते हैं उसके बीच बीच में कॉल आते हैं मेरे पास, और लाइन पे भी रहते हैं, मतलब हम दोनों ना कभी दोनों को फील नहीं करवाते हैं कि तुम अकेली हो मैं भी अकेली हूँ, तो अच्छा ही होता। देखो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कुछ भी अपने अंदाज में, मतलब उसको ऊपर जाना है, ऐसे तो चले जाते हैं लेकिन जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ऐसे खड़े रहते हैं, खड़े रहो मैं बनाऊंगी उसके बाद उठा के दूंगी। तो जो चीज बोल रही थी कि दूर है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे, तो मैं तो 5-6 साल रही थी, उसके बाद हम लोगों ने मतलब कोलकाता आए तो उतना दिन नहीं हुआ, मतलब शिफ्ट किया। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप प्यार के लिए उतना बड़ी बात नहीं है कि अगर दोनों में प्यार है तो लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि रिक का मैसेज का वेट करती हूँ, कॉल का वेट करती हूँ, रिक कब आएगा, मतलब वो अलग एक फीलिंग्स होता है। क्योंकि रिक को देखो, रिक दोनों साइड से ही उसको देखना पड़ता है, मम्मी पापा के वहाँ पे भी जाना होता है, सारे काम उसको ही देखना होता है, और यहाँ पे भी मुझे भी देखना होता है। और अगर मैं अभी बच्चों को, ऐसा नहीं है कि ये झगड़ा नहीं होता है, हमारे भी बहुत झगड़ा होता है, ऐसे कि रिक जब पहले पहले घर जाते थे उस टाइम पे मैं अकेली रह जाती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन उसको साथ नहीं रह पाती थी ना, ये लेके मुझे मेरा मूड खराब होता था, झगड़ने लगती थी। लेकिन अभी जो जितना टाइम जा रहा है मुझे भी समझ आ रहा है कि हाँ दोनों रिलेशनशिप है तो क्या हुआ, मम्मी पापा भी तो उन लोगों को भी तो देखना होता है ना, तो अभी हमारे बीच ये सब लेके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो मतलब क्या ही बोला, अगर दोनों में प्यार है तो क्या बात है, हम दोनों एक साथ है, बातें करते हैं, सब कुछ एक जैसी है, तो अगर प्यार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्यार नहीं है, जिन लोगों को रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, तो उन लोगों को तो रिलेशनशिप मतलब लॉन्ग डिस्टेंस क्या, एक साथ में रह के भी छोड़ देंगे। तो यही है लॉन्ग डिस्टेंस, उतना कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरे साथ अकेली नहीं है, कुछ भी है मेरे साथ, देखते हुए आप लोग तो ऐसे ही जाते हैं रिक के बिना मेरे मतलब दिन जाते हैं। लेकिन बहुत मतलब रिक जब रहते हैं उस टाइम पे मुझे इतना कुछ भी ना काम नहीं करना पड़ता, लेकिन वो अभी नहीं है तो बहुत काम करना पड़ता है मुझे, मतलब सब्जी काट के देते हैं, बर्तन घिस के देते हैं, खाना खाना भी कभी कभी बना के देते हैं, कुल्फी भी ऐसे सुन रहे हैं मेरे बात। तो बस रिक को बहुत मिस कर रही हूँ, अभी कब आएगा, 2-3 दिन में आई होप कि रिक आ जाए और फिर सब लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा। और अभी कोई और कुछ काम भी नहीं है, मैंने जैसे कि बताया मैं अभी जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद लंच वंच करने के काम करने बैठूंगी लैपटॉप लेके,
उसके बाद मेरा खाना वाना तो बन के रेडी है बस, और कोई काम नहीं है। तो चलो, मैंने सोचा था कि चलो जैसे मैं रहती हूँ एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, दीदी आप अकेले कैसे रहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मतलब बहुत कुछ आ रहा था। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैं रिक को बहुत प्यार करती हूँ, तो वो अगर दूर भी है तो कोई बात नहीं, मेरे मैं और वो मतलब दिल से कनेक्ट है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा मेरे पे जरूर बताना, और हाँ अगर आप लोगों को मेरा दिन का और भी ऐसा ब्लॉग देखना है तो कमेंट पे जरूर बताना। तो आज के लिए बाय बाय, कुल्फी बोल दो, बाय बाय टाटा।